नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें कुरुक्षेत्र मूवी के बारे में, जो कि अपकमिंग इंडियन कन्नड़ा मूवी है। इस मूवी का लोग बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित होगी ये मूवी। और कहीं ना कहीं ये महाभारत से इंस्पायर है इसकी कहानी, और उसी के आधार पर इसकी कहानी को बुना गया है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नगन्ना ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मुनि रत्ना ने। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस फिल्म का बजट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि 100 करोड़ के बजट में इस मूवी को बनाया जा रहा है। और इस मूवी में है दर्शन, यानी कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन इस मूवी में एक मेन किरदार प्ले करेंगे। और जो चैलेंजिंग स्टार दर्शन होंगे वो इस मूवी में दुर्योधन का रोल प्ले करेंगे, जिसके लिए लोग इनको दुर्योधन के रोल में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अगर मैं निखिल गौड़ा की बात करूं तो वो इस फिल्म में अभिमन्यु के अवतार में आपको नजर आएंगे। और बाकी की जो स्टार कास्ट है वो भी जो महाभारत में जिस जिसके रोल थे उनको कास्ट किया गया है, बहुत सारे सितारों को, यानी कि इसके जो कैरेक्टर्स थे इस पूरी कहानी के वो प्ले करने के लिए हर किसी को उनका रोल दे दिया गया है। और हर कोई अपने कैरेक्टर को जीने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। अगर मैं बात करूं दर्शन के बारे में तो दर्शन सर की ये कुरुक्षेत्र जो मूवी है ये 50th मूवी है, यानी कि 50वीं मूवी है उनकी। और ये मूवी 12 अप्रैल 2019 को सिनेमाज में रिलीज होगी। और अगर आपने इस मूवी की कुछ पोस्टर्स देखे हों या फिर कुछ वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मूवी पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है और इस मूवी का हर एक सीन रियल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन का जो जादू है वो हमेशा ही लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है और हमेशा उनकी हर एक मूवी का बेसब्री से इंतजार होता है। अगर मैं उनकी पिछली मूवी की बात करूं यजमाना की, तो वो एक ऐसी मूवी थी जिसमें वो एक एक्शन अवतार में नजर आए थे और उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और अच्छा बिजनेस किया उस मूवी ने और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिव्यूज हमें देखने को मिले थे। तो शायद ऐसा लग रहा है कि कुरुक्षेत्र जो मूवी आने वाली है अप्रैल में 12 अप्रैल को रिलीज होगी, तो इस मूवी का भी बहुत अच्छे से इसका कलेक्शन होगा, अभिनय को पसंद किया जाएगा, डायरेक्शन को पसंद किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो कहानी होगी मूवी की ये लोगों के दिलों पर राज करेगी। अगर आप भी इस मूवी के पोस्टर से या फिर ट्रेलर से इम्प्रेस हैं और इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो चैलेंजिंग स्टार दर्शन है उनका सपोर्ट करें और उनके बारे में कुछ लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।